हेलो एवरीवन, सो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो कोविड-19 से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई सफ़र कर रहा हो कोविड-19 से तो आप मेरा लाइव सेशन देख करके उनको बता सकते हैं, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ डाइट के बारे में, योगा के बारे में, कि कैसे कैसे आप ये चीज़ें यूज़ करके बहुत जल्दी से रिकवर कर सकते हैं। तेरा मेरा सच पर सुमन शर्मा के साथ। और अभी कैसे कैसा रहा कोविड-19 का पीरियड? अब तो पूरे हो गए थे। इंस्टाग्राम पे लोगों की शादियां देखी और ओके क्योंकि माइंड को डाइवर्ट करना था इस टाइम। फिर उसके बाद आपको मेंटली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ा इसमें। लाइफ जुड़े हुए मैं सबको कहना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि आप ठीक हो तो आप में वो सिम्टम नहीं है। मैंने भी ये लगाओ कि मेरी फैमिली में अगर पॉजिटिव आए तो मैंने चेक कराया, अगर मैं चेक ना करवाता तो मेरा सिम्टम बिगड़ सकता था। राइट। लेकिन स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अकॉर्डिंग भी बोला गया, वैसे जनरली भी जो कोविड-19 में कोशिश करें कि पूरा दिन अपना ल्यूकवार्म वाटर पीते रहे 8 से 10 गिलास, वो भी बहुत ही हेल्प करेगा आपके बाद। आइस का आइस कैसे हम करें क्योंकि ठंड है, पानी नहीं मार सकते कंटिन्यूसली। नॉर्मल अगर पानी से हल्का गुनगुना पानी, आप बहुत ज्यादा गर्म मत करो पानी, ठंडा और थोड़ा गर्म पानी को मिक्स करके आप बिल्कुल धो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये वाला नहीं है कि सर्दियाँ आ गई तो नहाना नहीं है, मुंह नहीं धो सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। एक और का क्वेश्चन भी है, मुझे अपना वेट लॉस करना है। करना आप डाइट प्लान बना दोगे? हाँ मैम, लेते हैं कॉस्टिंग है 1 लाख रुपीज, तो कॉन्टेक्ट मैम के कीमती 1341। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ तो भी नहीं है, इतनी फीस नहीं है मेरी। ऑफ कोर्स मदर तो पराठे खिलाती है मक्खन भर भर के, ऐसे तो और मोटे हो जाएंगे, माँ का प्यार। नहीं, अगर आपको मदर तो मदर को आप ये बता सकते हो डेली परांठे के बजाय, आप अगर हफ्ते में आप 3 दिन परांठे खा रहे हो बटर के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकफास्ट जैसे कि दलिया हो गया, दलिया नहीं खाना, या ओट्स, आपको जैसे पुलाव जैसा ओट्स बना सकते हो, वैसे भी नहीं खाना तो ओट्स का चीला बनता है वो इंक्लूड कर सकते हो। तेरा मेरा सच पर सुमन शर्मा के साथ। ओके, और साथ में मेरी डाइट भी चल रही है। यहाँ पे मैं आप सबके क्वेश्चन। हेलो, हाय सुमन, कैसे हो? मैम अब ठीक हूँ, आप मेरी साउंड क्लियर आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट मेरी आ रही है, विजिबल है ना आपकी मेरी स्क्रीन? बहुत सही, बिल्कुल ठीक। सही फेस दिख रहा है, ग्रीन कलर का ईयरफोन दिख रहा है आपका। ठीक। थैंक यू। और अभी कैसे कैसा रहा कोविड-19 का पीरियड? अब तो पूरे हो गए थे, 14 डेज से ऊपर ही हो गया। हाँ 14 डेज से, अब मेरे को 30 डेज हो गए अब तो, वैसे दिवाली के बाद ही। अच्छा, मैं पॉजिटिव आ गया था। हाँ जी ओके ठीक। तो so, वीकनेस कैसा तो रहा, है, क्या किया आपने अभी है वीकनेस? इंस्टाग्राम पे लोगों की शादियां देखी और ओके ठीक है, मतलब जिन जो पैसा बचा सकते थे उन सबने पैसा बचाया है और अपना सही जगह पैसा लगाया है क्योंकि माइंड को डाइवर्ट करना था इस टाइम। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव डाइट। हाँ नेगेटिव तो हाँ इस टाइम पे, क्योंकि अकेले रहते हो रूम में एकदम। काढ़ा, स्पेशली काढ़ा। अच्छा ठीक चल रहा है तो, और अच्छा, अच्छा अभी भी कंटिन्यू ही है? कंटिन्यू ही है मैम, अभी मैं घर पे ही हूँ। वैसे मैंने अपने आप को वैसे ही आइसोलेट किया कि जो 14 डेज का पीरियड होता है, आई थिंक फॉरेन में 18 या 20 डेज का है। सो आपको स्टार्टिंग में पता कैसे लगा कि हाँ मतलब आप कोविड-19 मतलब पॉजिटिव आया है, या टेस्ट करवाया, या आपको खुद को ही लगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग? एक्चुअली मेरी फैमिली में पॉजिटिव आए थे मेरे 2 मेंबर्स। अच्छा तो उसके बाद ओके ओके तो ज्यादा तबीयत खराब हुई तो हॉस्पिटलाइज किया गया। उसके बाद फिर हमारी सारी फैमिली ने खुद ही सिविल हॉस्पिटल जाके, जहाँ की वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी करवा सकते हैं, वहां हम गए ठीक। तो वहीं से ही आपको पता लगा? आराम से 4 डेज बाद न्यूज़पेपर में फ्लैश हो रहा था, यू आर पॉजिटिव। फिर हाँ, हमें वो फोन आपने आया, मुझे भेजा आप था। पॉजिटिव। हाँ
पॉजिटिव, हाँ मैं कहा ओके। तो तो बोले स्टार्टिंग पीरियड टू थ्री डेज कैसा रहा? स्ट्रेस रहा, क्या होगा, रिकवर फिर कुछ करूंगा भी नहीं नहीं था। करूंगा? आफ्टर 4 डेज के बाद वीकनेस स्टार्ट हुई, आफ्टर 4 डेज के बाद ही। ठीक है। फिर जब मैंने एक्सरे करवाया, सब कुछ करवाया, तब पता लगा कि लंग्स में भी ये आ चुका है चीज ओके जो ठीक। भी थी। फिर उसके बाद आपको मेंटली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ा इसमें। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होगे तो काफी सारे इंसिडेंट हमारी सिटी में भी देखने को मिले, ये बड़ा जरूरी ओके है। और मैं हाँ यहाँ वो पे तो आप जितने भी बिल्कुल। लाइफ जुड़े हुए, मैं सबको कहना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि आप ठीक हो तो आप में वो सिम्टम नहीं है। मैंने भी ये लगाओ कि मेरी फैमिली में अगर पॉजिटिव आए तो मैंने चेक कराया, अगर मैं चेक ना करवाता तो मेरा सिम्टम बिगड़ सकते थे, बिगड़ सकता था। राइट राइट हो राइट। जाता। तो वही चीज है, अगर आपको स्टार्टिंग में अगर कोई ना कोई चीज अगर आपको लग रही है तो डिले मत करो। बिल्कुल अगर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही अपना पॉजिटिव टेस्ट, मतलब बेसिकली अपना टेस्ट करवा लेते हो और आपको पता है बिल्कुल डिटेक्ट हो जाता है, तो आप क्वारंटाइन हो यस और डॉक्टर से जो भी मेडिसिन वो बताते हैं और डाइट है आप बिल्कुल प्रॉपर फॉलो करो, और अपना जो योगा है प्राणायाम को कंटिन्यू करो, और बाकी जो मैंने बिल्कुल आपको बताया था आपने वो फॉलो किया था? बिल्कुल बिल्कुल किया मैंने। मैं परोठे भी खाने लग गया उसके हाँ बाद मतलब मेरी भूख बढ़ी है तो उसके पोटी। बाद, मतलब मैं कुछ भी खा रहा हूँ, अच्छा ओके। कुछ भी खाने लग गया। आपकी डाइट बिल्कुल अच्छा, मतलब प्लान बहुत अच्छा था। अच्छा आपके लिए ना क्वेश्चन भी आ चुके हैं मेरे पास। हाँ जी बताइए क्या चंडीगढ़ से, क्वेश्चंस हैं। चंडीगढ़ से शीना का क्वेश्चन आया था। हाँ जी ये वैसे डॉक्टर है, वैसे खुद हेयर ट्रांसप्लांट करती है मैडम। तो इनका क्वेश्चन था ओके। कि 61 मेरा वेट है, कुछ ऐसी डाइट बताओ कि मेरा वेट लूज हो जाए। 61 वेट है पहली सिक्सटी बात सेवन सॉरी तो। सॉरी 67 सिक्सटी वेट है, तो सेवन पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी इनकी हाइट कितनी है, ताकि ये पता चल पाए मुझे कि इनका आइडियल बॉडी वेट हाइट कितना आई होना थिंक चाहिए। इनकी हाइट है 5'4" या 5'3" नियर अबाउट। 5'3"? तो हाँ इनको कम से कम इनको अराउंड 8 to 10 kgs यस रिड्यूस करना चाहिए वेट। ओके हाँ इतना तो करना ही चाहिए। तो उसके लिए नॉर्मल अपना स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स रखें, फ्रूट्स खाएं, सबसे पहले जो सिंपल शुगर है बेसिकली जो चाय ले लेते हैं, अभी इस ठंड का मौसम आ गया है तो चाय होती है, तो चाय में अगर आप तीन चार अगर 3 से 4 बार चाय है तो आप देखो अगर एक ओके ओके बार में आप उसमें 1 चम्मच चीनी डालते हो तो उसी में उस चीनी से ही आप बहुत सारी कैलोरीज ले लेते हो। तो अगर आपने 4 बार चाय ली या 3 बार चाय ली तो उसी से ही आप ओके 250 से 300 कैलोरीज ले लेते हो, हाँ जी तो बेटर है बिल्कुल वो चाय कम एटलीस्ट 2 बार चाय को कट डाउन कर दो, और जो बाकी की 2 आप लेना इंक्लूड करना चाहते हो तो उसमें शुगर का अगर शुगर फ्री ले सकते हो तो वेरी गुड, उससे भी कैलोरी ठीक है आपका मतलब कट डाउन होगा। और सॉल्ट का अमाउंट कम करो, ऊपर से किसी भी चीज में सॉल्ट मत ऐड करो, उससे क्या होता है बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है, उससे भी हमारा वेट ज्यादा हो सकता है और जो दिखता है हमें, तो उस चीज को ध्यान में रखो। और लेट नाइट डिनर ना करें, वो भी ठीक नहीं होता, बिकॉज लेट खाओगे जल्दी सोओगे तो अच्छे से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो वो भी वेट गेन ही करेगा। और जितना सैलड और वाटर का भी ध्यान रखें, जनरली क्या होता है खाने का तो ध्यान रख लेते हैं पानी को भूल जाते हैं, फ्रूट्स भी भूल जाते हैं, लगता है कि तीन मेन थ्री जो हमारी मेन मील्स है वो इंक्लूड कर ली और बाकी जो अपना होता है फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये ले लिए कभी मम्मी ने हाथ में पकड़ा दिए कि ले लो ओके खा लो तो हो जाते हैं, अदरवाइज तो अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूँ तो वो तो भूल ही जाते हैं। तो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और वाटर इनटेक का ध्यान रखो ठीक और है। सैलेड का। एक और चीज सुनने में आई थी मुझे कि आपकी बॉडी में, मतलब अगर कोविड होता है तो उससे है ना काफी ज्यादा गर्मी लगती है, पानी मतलब बॉडी रिड्यूस करती है, वाटर सबसे ज्यादा निकाल देती है अपने आप को, गर्मी नहीं लगती है ऐसा उस कुछ इंसान नहीं है, को ये सब कुछ। एक्चुअली सीवियर ये डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन, बिकॉज जो कोविड है अगर इससे आपको मेरे स्टार्टिंग साथ में भी ही हुआ था। डिटेक्ट अगर आपके साथ हुआ था, वही मैं कह रही हूँ कि अगर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो कैसे उसके अंदर किस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, बिकॉज जो कोविड है वो माइल्ड टू सीवियर तक जाता है, ठीक
ठीक है। सो अगर किसी को मैं सीवियर उस सिचुएशन में बोलूंगी, अगर किसी अडल्ट में बेसिकली ज्यादातर अगर किसी को लिवर से रिलेटेड दिक्कत है या किसी को शुगर है या हार्ट रिलेटेड दिक्कत है, उनमें बहुत सीवियर चीजें दिखती है, तो बहुत सारे सिम्टम्स भी अलग अलग वेरी करते हैं। किसी ने ओके स्टार्टिंग में ही इसको हाँ पता लग जाता है। तो बेसिकली जो कोविड है ये क्या करता है, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारी आईज होती हैं, आपका नोज हो गया और ये आपका थ्रोट हो गया, यहीं से ही ये एंटर करने का रहता है वायरस का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डिपेंड करता है, क्योंकि एक तो होता है कि इस टाइम पे आप अकेले रहते हो, आप रूम में क्वारंटाइन हो, तो अपना ना, वाटर इनटेक का ध्यान रखो। हाँ टोटली। बिल्कुल तो हाँ तो अपना डाइट का ऐसा प्रॉपर लगता है ध्यान रखो। इरिटेट हो गया। हाँ एक्चुअली वही है और ना कि मैम आपको एक अपने और भी ये चीज है टाइम ना, भी। हाँ जी हाँ जी बताइए। पानी पानी की कहीं ना कहीं तो कमी हो रही है बॉडी में। इसका मतलब हमें पानी जितना हो सके, वाटर हमें हो सके ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, वो हाँ यूज। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप देखोगे नॉर्मल रूटीन में अगर आप देखोगे, अभी तो वैसे ही जब ठंड का मौसम आता है तो वैसे ही वाटर इनटेक कम होने लगता है, लोग नहीं पीते हैं। ठीक है, गर्मियों में तो फिर होता है कि प्यास लगती है, आपको स्वेटिंग होती है, तो यस आप ये पानी पी लेते हो, ठंड में नहीं हो पाता। बिल्कुल तो अभी कम से कम 8 से 10 गिलास पानी लें। लेकिन स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अकॉर्डिंग भी बोला गया, और वैसे जनरली भी जो कोविड-19 में कोशिश करें कि पूरा दिन अपना ल्यूकवार्म वाटर पीते रहें, 8 से 10 गिलास, वो भी ओके ठीक बहुत ही हेल्प है। करेगा आपको। और जैसा कि मैम कोविड में ना जैसे गला खराब होता है, मेनली गले पे इफेक्ट होता है, तो कोई ऐसी चीज है जो लिक्विड में हम ले सकते हैं? एक तो गर्म पानी तो हम लेते ही है, अगर जूस में लेना चाहे तो कोई ऐसी जूस जूस जो कोशिश गले करें। में भी ना जूस लगे। तो जूस में ये बोलूंगी, वैसे भी विंटर्स का टाइम है, जूस अवॉइड करें, और विंटर्स को भी छोड़ दो तो जूस इतना बेनिफिशियल नहीं होता। आप बहुत सारे फ्रूट्स लेते हैं, तब जा करके 1 गिलास जूस बनता है, उसमें सारा फाइबर निकल जाता है। अगर आप एक मतलब फ्रूट ही ले लेंगे खा लेंगे, वो ज्यादा बेटर होगा, उसमें आपको फाइबर भी मिलेगा, ताकि आपको, क्योंकि समटाइम्स देखा गया कहीं कोविड के पेशेंट में लूज मोशंस भी होते हैं, कईयों को कॉन्स्टिपेशन भी होता है, बिल्कुल तो वो डिपेंड करता है। तो जूस में वो बोलूंगी कि जूस ना ले, बेटर है फ्रूट्स खाएं। और बिल्कुल अगर गले से ड्राई, अगर किसी को ड्राई कफ रहता है इस टाइम पे, क्योंकि थ्रोट से रिलेटेड दिक्कत होती है, तो आप बिल्कुल स्टीम लेते हैं, जब वो स्टीम के लिए जब आप पानी लेते हैं, उसमें आप अजवाइन ऐड कर सकते हैं, या ठीक आप है। जो अपना मिंट होता है, पुदीने की पत्तियां, ये आयुष मिनिस्ट्री ने भी बोला है आप इसको ऐड करते हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला था। तो ये दो चीजें बिल्कुल आप कर सकते हैं ऐड। अगर किसी को मतलब बहुत ज्यादा कफ हो रहा है, तो उसके लिए लौंग का पाउडर बना करके आप नेचुरल शुगर या हनी के साथ दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, तो उसमें भी हेल्प करेगा। पर अगर आपने ये दो ठीक से है तीन से मतलब बेसिकली मैक्सिमम 4 दिन तक ले लिया, फिर भी आपको ये फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इसको क्या कहते हैं, डॉक्टर से डेफिनेटली आपको कॉन्टेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये ठीक है। जनरल चीजें हैं जो बताई गई हैं। हमारे साथ सारे जुड़ रहे हैं, तो मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, अगर बिल्कुल आपको मैम से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप हमारे साथ एक और ऑप्शन आ गया लाइव का, क्योंकि अब 4 पर्सन लाइव ओके हो सकते हैं। तो अगर हमारे ठीक साथ कोई है, लाइव भी आना चाहता है, मैम से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम है। हम आज उनको, क्योंकि डेफिनेटली। यस इंस्टाग्राम यस ने ये नई फैसिलिटी शुरू करी है कोविड के बाद ओके, ये मुझे भी मैम नहीं पता था। नहीं ठीक है, अगर ये कोई लाइव आकर के मेरे साथ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से आंसर दे मोस्ट पाऊंगी। हो वेलकम सकता है उनके साथ हो सकता है मतलब वो क्वेश्चन कुछ पूछे, तो बाकी जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी हेल्प हो सकती है। बिल्कुल मैम। आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक मेट्रो सिटी में रह रहे हो, दिल्ली जैसे शहर में, यस और कुछ आजकल वहां पे चलिए इंसिडेंट तो चल ही रहे हैं, लेकिन वहां का एयर पोल्यूशन सब कुछ मिला के आप कैसे अपने आप को वहां पे सरवाइव कर रहे हो? आप अपने एक्सपीरियंस बताओ। टच वुड, मेरे को अभी भी मेरा तो क्लिनिक भी जाना होता ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्टिंग से एक मेजर्स बताए जा रहे हैं नॉर्मल, कि हैंड वॉश करो, क्योंकि बिकॉज क्या है, मैंने अभी भी बताया कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारी आईज है, हमारा नोज है और ये माउथ, यहीं से वायरस एंटर करता है। तो इसके लिए ओके क्या है, आप हैंड वॉश करते हैं तो डेफिनेटली, अगर आप समटाइम्स, क्योंकि मास्क हम बोला जाता है हमेशा बिल्कुल यहां से टच करो, यहां से टच मत करो,
ठीक है। सो मैं इस चीज का ध्यान रखती हूँ, मैं वाटर इनटेक का ध्यान रखती हूँ अपना, मैं फ्रूट्स मेरा डेली रूटीन में रहता है, और जब मैं घर आती हूँ तो मेरा रहता है कि मैं एटलीस्ट अगर रेगुलर नहीं हो पाया तो वीक में मतलब 3 बार प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं स्टीम ले लूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो मिंट की लीव्स के साथ मैं स्टीम ले लेती हूँ या अजवाइन के साथ, तो ये दो चीजें मतलब मैं बेसिकली ये बेसिक चीजें हैं मैं ध्यान में रखती हूँ। हाँ एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, हाँ जी शुरुआत से मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि विटामिन सी की जो मेडिसिन वो फार्मेसी से लेते हैं वो खा यस लेते हैं यस बहुत मैम ज्यादा, वो या विटामिन बिल्कुल डी की गूगल पे सर्च किया कि इस टाइम पे विटामिन डी लेना चाहिए, अगर यही विटामिन सी और विटामिन डी से अगर ठीक हो रहा यस मैम होता तो इतनी अभी तक कोई टेंशन बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, मैम तो विटामिन सी ये शो है कि विच आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब उससे लड़ने की क्षमता बढ़ा रहा है, ये नहीं बोल रहा कि अगर आपकी बॉडी में दिस इज वन विटामिन हाँ यस यही यस है तो ऐसा, हाँ ऐसा नहीं ये है मैम ओनली कि मतलब अपने विटामिन, और हाँ चीपेस्ट रेट जी भी है इनका विटामिन सी की चीपेस्ट मेडिसिन रेट है इसीलिए, अगर ये एक्सपेंसिव होता आई थिंक तभी ये रेगुलर नहीं रहता, लोग नहीं लेते। आज मैंने यस ये मैम भी देखा है कि अब तो लोग आंवला का जूस मतलब रोड साइड मतलब फ्रेश निकाल रहे हैं, और लोग घर में अपने लिए पूरी पूरी बिल्कुल मतलब बॉटल्स को फिल करा के लेके जाते हैं, तो बेटर है यही जूस आप घर पे निकालो पी लो। एक संतरा इस टाइम पे आता है आप वो खा लो, आपका क्या कहते हैं अमरूद गुआवा में बहुत अच्छा विटामिन सी का कंटेंट होता है, तो बेटर ये मेडिसिन से अच्छा है आप एक अगर एक फ्रूट लेते हो तो आपको विटामिन सी के साथ साथ आपको उसमें फाइबर भी मिलेगा और बहुत सारे न्यूट्रिटिव वैल्यूज आप अपनी बॉडी में ऐड कर सकते हो, तो बेटर होगा फ्रूट खा लो रेदर देन मेडिसिन, क्योंकि आप मेडिसिन लॉन्ग टर्म में अगर कंटिन्यू करते हो, बिकॉज डॉक्टर अपना हमेशा एक एमजीस के अकॉर्डिंग बताता है कि आपको 1 वीक तक लेनी यस है, मैम विटामिन डी का भी एक प्रॉपर कोर्स होता है, वो डॉक्टर बताता है कि आपको बिल्कुल एवरी वीक लेना है। मैं अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, पता चले कोई नहीं इम्प्लीमेंट कर ले, ठीक तो है मैम बेटर है कि आप डॉक्टर से कंसर्न करें कि आपकी बॉडी में किस चीज की कमी है और कब लेना है और क्यों लेना है, तो वो ज्यादा बेटर है खुद से लेने की बजाय। बट मैम जैसे मेडिसिन काफी आपने सही बोला कि हम काफी लॉन्ग टर्म तक मैं ओब्वियसली मैं भी लॉन्ग टर्म तक एक मेडिसिन लिए 1 मंथ बहुत लॉन्ग टर्म होता है एक तरह का तो कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट कहीं लीवर वगैरह पे आई थिंक डेफिनेटली होगा, अगर आपकी मेडिसिन आपको उससे नहीं बचने पता के लिए कि आपकी बॉडी, अगर मुझे ऐसे ही पता चल जाए बीइंग अभी तो मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मुझे भी नहीं पता कि मेरी बॉडी में भी ऐसे कैसी कम मतलब विटामिन सी की कमी है, विटामिन ए की कमी है या डी की कमी है, और मैं खुद ही ले लूँ ओके तो मैम बहुत सारे वो मेरे को अगर मैं डिटेक्ट करवाती हूँ, मैं टेस्ट कराती हूँ, तब मुझे पता चले और मैं लूँ, तो बेटर हम क्या बोला जाता है अगर आप थोड़ा थोड़ा अपनी डाइट में, तभी बोला जाता है शुरुआत से बोला जाता है अपनी डाइट जो होनी चाहिए आप वो कलरफुल होनी चाहिए, अगर सारी चीजें आप अपनी बॉडी में सीरियल मतलब पूरे दिन में आपको एक सीरियल की रिक्वायरमेंट जो अनाज की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप ले रहे हैं वो ठीक है आपकी बॉडी में ठीक रहेगा, आप प्रोटीन अगर आप ले रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बोलूँ आपको 70 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए इस हिसाब से बताओ तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप 3 टाइम थोड़ा थोड़ा प्रोटीन इंक्लूड करो, प्रोटीन मीन्स आपकी दालें हो गई मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए ऐसे इंक्लूड करो, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से इंक्लूड करो तो आपकी रिक्वायरमेंट ठीक रहेगी, बिल्कुल तो ये मेडिसिन की बजाय आप नेचुरल अपना डाइट इंक्लूड करो तो वो ठीक रहेगा। बाकी अगर कोविड अगर जैसे आपको भी रहा है तो आप चमन पराश इस टाइम पे ऐड करें तो बहुत अच्छा है, ठीक लेकिन है अगर मैम कोई किसी को डायबिटीज है तो वो शुगर फ्री चमन पराश भी आता है वो इंक्लूड कर, 10 ग्राम लेना होता है, ओके 10 ग्राम मीन्स वो हो गया 2 चम्मच के बराबर चमन पराश, ठीक है तो ये वो नाइट इंक्लूड कर में सकते हैं, बाकी सुबह भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नाइट में ही लेना है, कभी भी ले सकते हैं, रात के टाइम कभी पे भी ले लेना है तो सकते हो अपना हाँ, तो 150 ml मिल्क में आप हल्दी वाला दूध बेसिकली ये भी आप रात के टाइम पे ले सकते हैं, वो भी एक से दो बार, इससे ज्यादा नहीं। हल्दी वाले दूध की एक और इंक्वायरी आई हुई थी आपने सही उठाया कि हल्दी वाला दूध पी के कुछ लोगों को रात में नींद टूट ही जाती है आते ही नहीं हल्दी वाले नींद दूध टूट जाती है ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं है, नहीं एक्चुअली उनके यार ये बाहर ऐसा नहीं है हल्दी ये क्वेश्चन आया था वाला मेरे पास नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हल्दी वाले दूध से ऐसा कभी भी नहीं होगा कि नींद टूट जाए, क्योंकि उसमें ऐसा तो नहीं है कैफीन है, क्योंकि कैफीन बेसिकली क्या होता है नींद ना आए तो क्या बोलते कॉफी हैं कि चाय ले लो कॉफी या भी कॉफी मेंशन पी कर लो, रखी है हाँ तो बेटर है कि ऐसा नहीं है, बल्कि बोला जाता है कि बड़े लोग तो बोलते हैं हल्दी वाला दूध पियो तो आपको नींद अच्छे से आएगी और आपका स्टमक का सिस्टम जितना भी है वो भी उसके लिए भी अच्छा रहेगा। ये भी तो हो सकता है ना मैम मेडिसिन ज्यादा चल रही है और फिर गर्म चीज एक रात को एक लेके
एक्चुअली इस टाइम पे ना साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं आपको, लोग जो मतलब लोगों के फोन बहुत आते हैं, आप कैसे हो, अच्छा आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, ये नहीं आप ये कर लो, आप काढ़ा पी लो, कोई कुछ बताता है, मदर को बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि आप ऐसे कर लो, तो बहुत ज्यादा इस टाइम पे बहुत ज्यादा आपको पता चल रहा होता है कि अच्छा ये भी करना है वो भी करना है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा टेंशन की वजह से भी होता है कि नींद नहीं आती। बिल्कुल, पीयूष जी का मैसेज आया हुआ है, एड वन पिंच ऑफ ब्लैक पेपर इन हल्दी वाला दूध, पेपर, आई थिंक यस पेपर। ही इज टोटली करेक्ट, यस 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 ही इज टोटली, हाँ तो काली मिर्च भी आप ले सकते हैं, ये भी बहुत बेनिफिशियल रहेगी। काली मिर्च, यस काली मिर्च कईयों ने मेंशन करी है कि इसमें काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है इसमें। और मैम जैसे कोविड का सिस्टम रहा है, हम ठीक है, हम हाथ धो रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं अपने हाथ, आपने बिल्कुल सही बात कही है। मैंने अभी आपकी बात जो पॉइंट है, ये होता है एक्सपीरियंस बंदे के बाद, आइस का, आइस कैसे हम करें क्योंकि ठंड है, पानी नहीं मार सकते कंटिन्यूअसली, हाँ आइस को तो कंटिन्यूअसली, सैनिटाइज भी नहीं लेकिन कर अगर सकते। आप सैनिटाइज नहीं कर सकते, लेकिन आप नॉर्मल अगर पानी से हल्का गुनगुना पानी, आप बहुत ज्यादा गर्म मत करो पानी, ठंडा और थोड़ा गर्म पानी को मिक्स करके आप बिल्कुल धो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये वाला नहीं है कि सर्दियां आ गई तो नहाना नहीं है, मुंह नहीं धो सकते, ऐसा कुछ भी नहीं नहीं है बिल्कुल भाग बिल्कुल अपना मुंह आप धोते रहिए, और ऐसा भी नहीं है देखिए कि मतलब इससे डरना नहीं है, बहुत ठीक से है, लोग इससे रिकवर भी हो रहे हैं, मैंने शुरुआत में बोला, जो बहुत ज्यादा इसको लीनियंट ले रहे हैं कि नहीं हो जाएगा ठीक हो जाएगा, अच्छा कुछ सिम्टम्स भी आए इग्नोर बिल्कुल कर दिया, बाहर घूम रहे हैं, तो मैं बोले अगर स्टार्टिंग में ही अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ मेरा मतलब सर में दर्द हो रहा है या गला खराब हो रहा है, जुकाम खांसी है, तो पहले आप डॉक्टर से उसी टाइम, क्योंकि आपको पता ही ये चल रहा है, बिल्कुल तो आप ये सब चीजें मतलब अगर आप करते हैं तो बिल्कुल, डेफिनेटली आप बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं। आई थिंक देख रहे हैं हम, वन हमारे गेस्ट आ चुके हैं हमारे साथ, शी इज वेरी सीनियर एंकर नीतू मैम। ओके मैम आपका ब्लैक आ रही है स्क्रीन, आप शो नहीं हो रहे हमें, आई थिंक कोई बात नहीं, दोबारा कनेक्ट हो रही है मैम। अच्छा मैम का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सूखी हाँ खांसी के जी, लिए क्या करें। मैंने बताया था अभी ड्राई कफ के लिए, पहले तो मैंने बताया था कि दोबारा से ध्यान से सुन लीजिए कि पुदीने के पानी वाला आप जो स्टीम लेते हैं जब पानी ऐड करते हैं तो उसमें पुदीने की पत्तियां डाल सकते हैं उसमें, ठीक और है, दूसरा मैंने बताया था अजवाइन ऐड कर सकते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा, सेकंड मैंने बताया था कि लौंग का पाउडर बना करके शहद के साथ 2-3 बार दिन में ले सकते हो, लेकिन अगर ये फिर भी इसके बाद भी 3 से 4 बार मतलब दिन तक करने के बाद आपको बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलता है तो कॉन्टेक्ट टू योर डॉक्टर। बिल्कुल। और मैं बताना चाहूंगा सबको एक चीज, क्योंकि जो मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया है आजकल, ये दो चीजें जरूरी होनी चाहिए आपके घर में, ऑक्सीमीटर एंड थर्मामीटर। ये हमारी लाइफ का हाल ये है। तो ऐसा और नहीं मैं है, आपको बता नहीं मैं नहीं बोलूंगी नहीं, इसमें ये नहीं ऑक्सीजन होना मैम चाहिए, ये नहीं, क्यों, ठीक है, ये सबको रखना क्यों है, हाँ आजकल लोगों ने नहीं क्या किया सबको है, मैंने नहीं बहुत से देख, लोगों को, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप रखिए, अदरवाइज नो नीड, क्योंकि अगर हाँ आपने देखा वो होगा जो मैंने कोविड बहुत से लोगों पॉजिटिव को आ गया ऑब्जर्व उनको। किया है, उनके लिए यस उनके लिए ये ठीक है, अदरवाइज जैसे बीपी की मशीन होती है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि बीपी की हाँ मशीन घर जी, पे है तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद करते रहते हैं, वो जरा सा डाउन हुआ तो वो डॉक्टर अच्छा को या डायटिशियन या उनको कॉल करते हैं, मैम मेरा सा मेरा बीपी बिल्कुल डाउन होगा, क्या होता है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये खरीदना ही है, अगर किसी को ये बिल्कुल मतलब COVID-19 पॉजिटिव हुआ है तो उसके लिए यस आपको ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो नीड। एक और क्वेश्चन आया है। यस हेलो पारस, पारस लगता है नेटवर्क, लगता है मैम और हमारे ही नेटवर्क अच्छे चल रहे हैं आज के टाइम पे। हाँ पारस मैम आपके जी भैया, सामने हेलो कर सकते हो, हेलो मैम मैम, आपके सामने, कीर्ति मैम हेलो हेलो पारस, कैसे हो। तो मैं ऐसे मैं कह ठीक हूँ, रहा आप था कि बताइए। क्वेश्चन अपना पूछिए पारस।
आई थिंक उनके वहाँ नेटवर्क का इशू है. ठीक है, ये भी हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन आया है कि लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसमें. पारस अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैम से. अच्छी लगी है इस बार आपके साथ ना कुछ नया नया होता है. हमने फर्स्ट सेशन किया हो फिर ये आवाज नहीं आ रही भैया. चलिए अब हमें आ रही है. चलिए आपका क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ. आपका क्वेश्चन आ चुका है मेरे पास. इनका क्वेश्चन है गिंगर विद हनी भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ऐड करके दे सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, हनी को कभी भी जैसे काढ़ा बनाते हैं, आपको काढ़ा की रेसिपी मेरे को बताने की आई थिंक जरूरत नहीं, अब तो सबको ही पता चल गया मिल जाता तो है, मार्केट में भी अवेलेबल है. मार्केट वाला में बेटर है, मैं बोलूंगी मत लेना जो रेडीमेड मिलता है आजकल, तो रोड साइड भी काढ़ा मिलने लग गया है, तो प्लीज वो नहीं लेना, घर का बना हुआ ताजा काढ़ा रखें, उसी टाइम बनाए उसी टाइम ही लें. हाँ तो उसकी रेसिपी तो बेसिक चीजें हैं सबके घर में होती है, दालचीनी है आपका, हल्दी है, अदरक है, ठीक है, अजवाइन भी डाल सकते हैं, जीरा ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसी टाइम मुनक्का भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. लेकिन हनी को मतलब जब आप काढ़ा को बना रहे हैं, बेसिकली अगर आपने 2 गिलास पानी लिया, उसको आप बॉईल कर रहे हैं कि वो आधा रह जाए और तब उसको लेना होता है, तो उस टाइम पे हनी को ऐड मत करो, क्योंकि हनी को कुक अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हनी को कुक नहीं किया जाता. अगर आप हनी को 30 डिग्री सेल्सियस से गर्म करते हैं तो वो एक पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है, बॉटलिज्म नाम के वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, वो आ जाता है, तो वो आपके इंटेस्टाइन में जा करके इरिटेट कर सकता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत हो सकती है. तो हनी को तब पीने से पहले, जब आपने काढ़ा बना लिया, जब वो बिल्कुल गुनगुना रह जाता है, जब पीने लायक हो जाता है, तो तब हनी को ऐड करें तो वो बेटर होगा. मैम मेरी पिक पॉज हो गई है, कैसे चल रही है? आपकी पॉज हो गई है. अब ये पॉज का तो पता नहीं, बट एक और क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास. हाँ जी बताइए. बस ये लास्ट टू क्वेश्चन ही है. थैंक्स फॉर एडवाइस, नीतू मैम का मैसेज है. लौंग का पाउडर बना के शहद के साथ लेने से फायदा मिलेगा? मैंने वही बताया, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. आप 2 से 3 दिन तक, दिन में 2 से 3 बार इसको लीजिए, और अगर 2 से 3 दिन में अगर आपको फर्क पड़ता है इससे, देन वेल एंड गुड. अगर आपको नहीं फर्क पड़ता तो आप डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. बिल्कुल. और लास्ट क्वेश्चन है, डू नॉट बॉइल शहद डायरेक्टली ऑन फ्लेम. ये क्या चाहिए कोई flame, जो यही, हाँ जो मैं बता रही थी कि शहद को कुक नहीं करना चाहिए डायरेक्टली ऑन फ्लेम, जो उन्होंने बोला कि शहद को अगर बॉइल करते हैं तो वो मतलब उसमें पॉइजन में वो कन्वर्ट हो जाता है. तो शहद को हमेशा जब आपका काढ़ा या कोई भी चीज आप खाने से पहले तब ऐड करें, या पीने से पहले तब ऐड करें, तो वो आपको अच्छे से अच्छा मतलब बेनिफिट दे पाती है. ठीक है, नेटवर्क फुल था मैम. चलिए मैम लास्ट एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, जो अगर बाई चांस बताइए. ये आज हमारा कोविड का टॉपिक था, इसलिए आज हमने ज्यादा आपसे मस्ती मजाक नहीं किया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम पावरफुल एनर्जी के साथ आएंगे, क्योंकि हमारा पहला सेशन वो टोटली डिफरेंट था. तो इसमें लोगों को पता भी लगा होगा कि जो इंसान कोविड से निकल के आता है वो सीरियसली एक बारी तो वीकनेस में आता है. मैम यही है कि वीकनेस से वापस आने का रिकवरी का फास्ट प्रोसीजर, क्योंकि मेरे दोस्त नॉन वेज वाले भी है और वेज वाले भी है, उन्होंने स्पेशली बोला नॉन वेज में रेड मीट अलाउड नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, फिश अलाउड है उनको, बट उनको और कोई उसके बारे में नॉन वेजिटेरियन वालों के बारे में. नॉन वेजिटेरियन के लिए अगर मैं बताऊँ रिकवरी के लिए, तो रेड मीट अवॉइड करके उसके अलावा आप चिकन ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में, फिश ऐड कर सकते हैं, आप पीनट बटर ऐड कर सकते हैं, ठीक है. तो कोशिश करो कि जो नॉन वेज जितना भी चिकन है या फिश है, घर पे ही मतलब कम ऑयल में अपना कुक करो तो आप खा सकते हो, और फ्रूट्स ऐड करो, वेजिटेबल्स ऐड करो. ऐसा नहीं है कि नॉन वेज बोला है तो नॉन वेज ही लेना है, चिकन सैलड भी ले सकते हो फॉर अ चेंज अगर आप ऐड करना चाहते हो, एग सैलड ले सकते हो, या एग की कोई भी प्रिपरेशन आप ले सकते हो, ऑमलेट ले सकते हो, वेजिटेबल ऑमलेट ले सकते हो. तो ये अलग अलग मतलब रेसिपीज हैं, उसमें ऐड करके आप ले सकते हो.
पर इसके साथ ऐसा नहीं है कि अपना वाटर इंटेक यहाँ पर बोलूंगी फिर भी अपना ध्यान रखें। और ये जो मैम बोन्स वगैरह की किसी को जैसे पेन्स वगैरह हो जाते हैं, बॉडी के पेन हो जाते हैं, तो वो बॉयड लेग का कितना उसका महत्व रहेगा इस टाइम? मतलब ले सकते हैं क्योंकि आपका योक भी ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी जो होता है, ऐसा नहीं है कि योक, मैंने पहले भी एक अपने ही मतलब अगर कोई मुझे फॉलो करता है उसको तो पता ही होगा मैंने डाला था कि एक योक के बहुत सारे के बेनिफिट्स होते हैं, ऐसा नहीं है, ये मिथ है कि हाँ भाई योक नहीं खाना है, वो डिपेंड करता है आपका पूरे दिन का कैलरी, वो तो आपको एक डाइटिशियन ही बता सकती है प्रॉपर पर्सन टू पर्सन कितना कैलरी इनटेक होना चाहिए। पर अगर मैं वैसे बोलूँ तो एग योक के बहुत सारे बेनिफिट्स है, तो आप ले सकते हैं एग योक। तो उसमें बिकॉज आपने पूछा कि बोन्स से रिलेटेड अगर इशू रहता है तो विटामिन डी होता है एग योक में, तो आप एग योक ले सकते हैं, उसमें विटामिन ए भी होता है, तो बहुत सारे और भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको मतलब आपकी भी मतलब ऐड हो सकते हैं उससे। ठीक है, तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, बस हमारे पास एक मिनट लास्ट है। मैम वेट लूज करने का कोई सोल्यूशन बता दो, और लवर्स 3, 1, 2, 4। अच्छा मैम एक और का क्वेश्चन भी है, दूसरा क्वेश्चन भी है, वेट लॉस करना है करना, आप डाइट प्लान बना दोगे? हाँ मैम लेते हैं, कॉस्टिंग है 1 लाख रुपीज, सो कॉन्टेक्ट मैम के कीर्ति 1341। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी फीस नहीं है मेरी, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मैम, यू आर प्रोफेशनल। हाँ यस, लेकिन मैम आज फ्री ऑफ कॉस्ट, आज फ्री ऑफ, आज हमारे लिए मैम, अगर आपको अभी पूछना है बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ किसी और का भी क्वेश्चन आया है वेट लॉस से रिलेटेड ही, तो वेट लॉस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं उसमें यही बोलूंगी, इवन मैंने पहले भी बताया था कि वेट लॉस के लिए आप ये ध्यान रखें कि सबसे पहले मैदे से बनी कोई भी चीज, जितनी भी पैकेट फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, ये जो टेट्रा पैक जूसेस है अवॉइड करें, जो बहुत जल्दी रेडी टू कुक वाली चीजें आती हैं कि ओट्स आते हैं, मतलब पानी डाला बन गया, दलिया आता है पानी डाला बन गया, तो सबसे पहले ये सब चीजों को हटा दीजिए। एमटीआर की जितनी भी चीजें आती हैं आपकी रेडीमेड, मतलब पानी डाला कि हो गया आपका कम, ये सब हटा दीजिए, चाहे वो इडली ही क्यों ना हो, आप घर में कुक करो, अपने लिए बनाओ, घर का जो सादा मदर का बनाया हुआ खाना है, अगर आप वही अपना 1 मंथ तक सिर्फ मदर का खाना आप सही टाइम पे आप लेते हो, तो उससे भी आप वेट लूज कर सकते हो। बिस्किट्स मत लो, ये जो ओट्स के जो बिस्किट्स आते हैं, okay. बोलते हैं कि बहुत हेल्दी है, पर नहीं, क्योंकि उसमें शुगर, जो आर्टिफिशियल शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। अगर आपकी आप देखोगे कि अगर एक पर्सन की, अगर मैं जनरल बोल रही हूँ कि उसकी रिक्वायरमेंट है 1200 to 1600 कैलरीज की रिक्वायरमेंट है वेट लॉस करने के लिए, लेकिन आप एक बिस्किट का पैकेट आपका इवनिंग स्नैक लेना है तो बिस्किट ले लिया, हेल्दी है, मोमोज नहीं खा रहे लेकिन ओट्स का पैकेट ले लिया, तो उन दोनों में ही, ओट्स और आपके मोमोज दोनों में ही कोई डिफरेंस नहीं है कैलरीज में। मैं बोलूंगी सिंपल वे में बोलूंगी, क्योंकि आपका सिंपल शुगर, आपका आर्टिफिशियल जितनी भी प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो आपको वेट लॉस करने में हेल्प नहीं करेगा। तो पैकेट चीजें सबसे पहले हटाओ, सैलड इंक्लूड करो, फ्रूट्स और जूस की जगह फ्रूट्स इंक्लूड करो, 4 बजे के बाद फ्रूट मत खाओ, क्योंकि डिनर का टाइम आ रहा होता है पास, तो उसके भी मतलब डाइजेशन में थोड़ा सा डूब डूब में खा लो बस। यस मैम, और स्वीटी इलाहाबादी ने कहा है जो बोलोगे वही वही देंगे, आप बना दो। स्वीटी इलाहाबादी आप है ना, मैम को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, कीर्ति 1341, और पर्सनली आप पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है आपको पर्सनली प्लान की जरूरत है, तो मैम से पर्सन कॉन्टेक्ट करो। अभिषेक वर्ष का मैसेज है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब कुछ खाते जाए और साथ साथ वेट लॉस भी हो जाए, मैं फूडी भी हूँ बट बहुत बड़े वाला। ठीक है सर, आप घर बैठे रहो और जो भी होती रहेगी। नहीं नहीं अभिषेक बात जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, आप कह रहे हो कि आपको सब कुछ खाना भी है, आपको कुछ छोड़ना भी नहीं है। अगर आप फूडी हैं, मैं ये नहीं बोल रही आप 100% जो चीजें आपकी पसंद की आप छोड़ दो, आपकी पसंद की क्या चीजें होनी चाहिए, जो घर पे चीजें बनती हैं, तो थोड़ा सा अपनी क्रेविंग को कम करते हुए और हेल्थ का ध्यान में रखते हुए करोगे तो यस एवरीथिंग इज पॉसिबल, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं होती है, आपके पास टाइम नहीं है, तो कोशिश करो, आप अपने ऑफिस में जाते हो तो आप स्टेयर्स का यूज करो लिफ्ट की जगह, आप कोशिश करो कि 10,000 स्टेप्स बोलता है हमारे यहाँ की, मतलब
ये तो है ही कि 10,000 स्टेप्स अगर आपके दिन के हैं तो अगर वर्कआउट नहीं भी करते देन इट इज फाइन, कोई इशू नहीं है कि अलग से आपको एक घंटे का टाइम निकालना है. और अपना डाइट की मैं बात करूं, डिनर का टाइम आप ध्यान में रखिए, ऐसा नहीं है क्योंकि डिनर और आपके स्लीपिंग जो टाइम है उसमें कम से कम 2 से 2.5 घंटे का गैप होना चाहिए. और यहाँ पर बेसिक चीजें मैं बोलूंगी, ये टाइमिंग्स का ध्यान में रखो, फ्रूट्स ऐड करो, वेजिटेबल्स ऐड करो तो वो ठीक है. अगर आपको बाहर का खाना ही है तो आप सैटरडे और संडे में से लंच टाइम में आप इंक्लूड कर सकते हैं बाहर का. एक और क्वेश्चन आया लवर्स का, मदर तो पराठे खिलाती है मक्खन भर भर के, ऐसे तो और मोटे हो जाएंगे, माँ का प्यार. नहीं, अगर आपको मदर सी हाँ कोई बात नहीं, अगर आपकी मदर आपको पराठे भी खिला रही है तो मदर को आप ये बता सकते हो डेली पराठे की बजाय आप अगर हफ्ते में आप 3 दिन पराठे खा रहे हो, बटर के साथ कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल खाइए. अदरवाइज और 3 दिन है आप हल्दी ब्रेकफास्ट जैसे कि दलिया हो गया, दलिया नहीं खाना, या ओट्स आपको जैसे पुलाव जैसा ओट्स बना सकते हो, वैसे भी नहीं खाना तो ओट्स का चीला बनता है वो इंक्लूड कर सकते हो. जो मैं बोल रही हूँ फ्रूट्स वेजिटेबल्स, आपको पता है कि मैंने अगर मॉर्निंग में मतलब कैलरी अच्छा कैलरी वाला मैंने ब्रेकफास्ट ले लिया है तो नेक्स्ट वाला जो है मुझे कैसे कट डाउन करना है इट्स ऑल अप टू मी. तो आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स अच्छी क्वांटिटी में ले लो और जो बाकी की चीजें हैं जो बाहर की जितनी भी चीजें आपको मन करता है क्रेविंग होती है तो उसकी क्वांटिटी रिड्यूस कर दो. वो पेट भरने के लिए नहीं, वो सिर्फ टेस्ट बस को सैटिस्फाई करने के लिए खाओ. ठीक है मैम, पहले तो थैंक यू सो मच सबके लिए, ये जो हमारे साथ सारे व्यूअर्स जुड़े, स्वीटी का भी आया, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. ओके, वो शायद आपको टेक्स्ट करेगी और आपको आई थिंक चेक काट के देगी उसका शेड्यूल बनाने के लिए. तो मैं तो मैम थैंक यू सो मच आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि काफी टाइम बाद एक बिल्कुल सिलसिला वापिस आया है और आज हमने देखा है कि काफी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं. कश्यप आप आया, थैंक्स मैम. तो मैम अब जाते जाते आपसे एक छोटा सा सवाल, नेक्स्ट टाइम आपको बता रहे हो नेक्स्ट टाइम तो अगर कोई भी टॉपिक अगर आप लोग चाहते हैं जितने भी व्यूअर्स हैं कि आप लोगों को कोई पर्टिकुलर अगर म्यूचुअल एक टॉपिक निकल के आता है तो डेफिनेटली मैं वो टॉपिक हम लेंगे और उसी के बारे में बात करेंगे. तो आप टेक्स्ट कर सकते हो या तो सुमंत को या मेरे को भी. मैम को करिए डायरेक्ट टेक्स्ट और मैम को फॉलो करिए शर्मा आकांक्षा शर्मा फ्रॉम यूपी, थैंक यू सो मच मैम. पीयूष जी का भी थैंक्स, कीर्ति जी. तो आप बहुत सारे चाहने वाले है. थैंक यू. स्पेशली ललित का मैसेज आया है, मैम की स्माइल, ओ माय गॉड, वाह, तारीफ है. चलिए थैंक यू सो मच मैम आज जुड़ने के लिए. थैंक यू सुमन फॉर इनवाइटिंग मी. तो आई होप जितना भी मैंने आप लोगों को बताया सॉल्यूशंस आप इम्प्लीमेंट करें और मुझे बताएं कि कैसे वो आप लोगों को फायदा किया नहीं किया तो भी आप मुझे बताइए. हो सकता है जरूर मैम जिस तरह से मैंने आपको बताया होगा. हाँ बिल्कुल, इस जो आज आपने जो लाइव सेशन किया मैं इसके बारे में पर्सनली जिन जिन को अच्छा लगा है उनसे मैं वीडियो वाइट भी मंगवाऊंगा कि आपका लाइव सेशन कैसा लगा और ये मैं इंक्लूड करके अपने यूट्यूब चैनल पे जरूर चलाऊंगा आज. ठीक है मैम. हाँ, और जिसने लाइव सेशन रह गया हो वो जरूर देखना यूट्यूब पे, ये फिर मेरे साथ चैनल पे आएगा ये आज. थैंक यू सो मच मैम, मजा आ गया. चार थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय. तेरा मेरा सच पर सुमन शर्मा के साथ.